दोस्तों, भले ही मेरी आवाज़ हिंदी सही नहीं है, लेकिन जिस चीज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ वो आप समझ करके चौंक जाओगे। और आप सब समझने की कोशिश कीजिए, और जिस चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मालेगांव की 2008 की जो बम धमाका थी उसके से रिलेटेड मैं आप सबको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। आज उसी का दूसरा भाग, उसी का हिस्सा मैं आज आप सबको बताऊंगा कि मालेगांव 2008 में जो बम धमाका हुआ, आतंकवादी बम धमाके में पहली बार, यानी कि पहली बार सच्चाई लोगों के सामने, जानदा के सामने आई, और उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सबसे अच्छा कमेंट अगर पसंद आए तो। और जो भी कमेंट किया है उस पे आप री कमेंट मत कीजिएगा, अपना प्रतिक्रिया आप नीचे लिखिएगा, दूसरा कोई के कमेंट पे आप उस पे री कमेंट मत कीजिए। जब 29 सितंबर 2008 को मालेगांव की बीकू चौक में बड़ा धमाका हुआ, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बीकू चौक में एक ऐसी बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, पर 100 से अधिक लोग घायल हुए, और इस धमाका में 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हमेशा की तरह इस घटना आई मीडिया पे और इस खुफिया एजेंसियों ने सिमी इंडियन मुजाहिदीन हुजी जैसे मुस्लिम संगठनों पर शक किया। और इसे मीडिया ने खबर बनाकर लोगों के सामने पेश किया। लेकिन 3 माह पूर्व ही महाराष्ट्र एसटीएस का पदभार ग्रहण किए हेमंत कारके ने सिर्फ शक की बुनियादी पर किसी को गिरफ्तार करना उचित न समझा। जब पदभार ग्रहण करने के बाद हेमंत कारके ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसे शक करने वालों पर उचित कार्रवाई करना नहीं समझा, जो शक के आधार पर पकड़ा गया था ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करना न समझा। उन्होंने किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह में न रहते हुए आपराधिक कानून व पुलिस नियम मैनुअल के तहत जाँच करना शुरू कर दिया। हेमंत कारके ने इसको किसी तरह का कोई अरेस्ट या फिर किसी तरह का सजा नहीं सुनाया, लेकिन पुलिस नियम के तहत मैनुअल में रख करके इसकी जांच करना शुरू कर दी है। जब हेमंत करके ने सबसे पहले घटनास्थल पर ध्यान केंद्रित किया और वहां उन्होंने एक मोटर बाइक मिली, उस पर लदी हुई RDX जैसे खतरनाक विस्फोटक वहां से बरामद किया गया, और उसके बाद इस घटना की सहायता से कराने वाली बात सामने आई, जैसे इस बाइक के मालिक का पता लगाना शुरू हो गया। जब बाइक घटना स्थल पर पाई गई तो उस बाइक की नंबर से उसकी मालिक तक उसका ठिकाना पता चला। अब ये पता चला कि यह बाइक साधुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से बाइक है और वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का एक सदस्य है। जब अभिनव भारत पीहिप की दुर्गा वहिनी आदि संगठनों से जुड़ी थी, भारत अभिनव दुर्गा वहिनी जैसे संगठन से साधुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर जुड़ी हुई थी। उन्होंने तत्काल गिरफ्तार किया गया और उन्हें कड़ी पूछताछ की गई। जब इस प्रज्ञा ठाकुर को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कड़ी सजा सुना करके, कड़ी कार्रवाई करके उससे पूछताछ किया गया, और जब उन्होंने तत्काल गिरफ्तार किया तो पूछताछ करने के बाद जिसमें 2 ऐसे शख्स सामने आए, और एक समलाल साहू और दूसरा शिव नारायण कल संग्रह, समलाल साहू और शिव नारायण कल संग्रह इसके बड़े बड़े नाम आए, इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये दोनों पुलिस में गिरफ्तार करने के बाद वे दोनों भी RSS और भाजपा से जुड़े हुए थे। उसके बाद इन तीनों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने के बाद पूछताछ करने लगी, और ऐसे घटनास्थल में शामिल ले कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय जामू स्थित शारदा पीठ के महंत दयानंद पांडे, समीर पुलानगढ़ी आदि के नाम सामने आ गया। अब जब घटनास्थल में शामिल कुल 11 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया, और पुलिस हिरासत में लेने के बाद इन सभी पर कड़ी कार्रवाई के साथ इन सबको पूछताछ करने लगे। इस दौरान हेमंत कारके ने घटना में शामिल जो भी शामिल ले कर्नल प्रसाद जैसे पुरोहित के पास एक और दयानंद पांडे के पास से जो लैपटॉप जब्त किए, और इन लोगों के पास लैपटॉप जब्त कर दिए, और इस लैपटॉप में जो भी जानकारी या फिर जो भी डेटा थी वह एक तरह से हिंदू राष्ट्र की ब्लू प्रिंट थी, और जो भी उस जगह से जो भी लैपटॉप बरामद किया गया था वह एक हिंदू राष्ट्र की ब्लू प्रिंट थी, और लैपटॉप ने अभिनव भारत संगठन की जानकारी व सभी मीटिंगों की ऑडियो और वीडियो
हुई थे। और इस लैपटॉप में उस अभिनव भारत का मीटिंग और वीडियो फुटेज जैसे ऑडियो क्लिप भी वहां से उस लैपटॉप में पाया गया। और निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है, जब 2002-2003 के दौरान कट्टरवादी ब्राह्मणवादी ने अभिनव भारत नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। दूसरा आता है, नाम के संगठन स्थापित की थी उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय लोकतंत्र को तोड़ डालना, लोकतंत्र के अनुसार स्थिति वर्तमान सरकार की निरसन करना और वहाँ पर मनुस्मृति और भेदों पर आधारित आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना था। और था कि वह इस कार्य में नेपाल व इसराइल जैसे देशों की व नांगा उग्रवादियों की मदद ले रहे थे। देश में अराजकता फैलाने की दृष्टिकोण से वे देश में बम धमाके करवाते थे और उसका आरोप मुसलमानों पर लगाते थे। आरएसएस व भाजपा इन दोनों के बीच गहरे संबंध थे। असल में अभिनव भारत एक आरएसएस के कट्टरवादियों का ही एक संगठन था। जब इस तरह से जब वहाँ पे एक लैपटॉप बरामद किया गया, लैपटॉप से सारी ऑडियो वीडियो फुटेज उन लोगों ने बरामद किया और इस बरामद करने से एक और बड़ा पुख्ता सबूत मिला। अभिनव भारत की जब फरीदाबाद में जानकारी 2008 में हुई एक मीटिंग वीडियो रिकॉर्डिंग की शब्दों में अनुवाद करके मालेगांव 2008 की चार्जशीट के साथ जोड़ दिया गया था और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें परिष्ठ आ में दी गई है। जब इस घटना की जांच हेमंत कारके ने लगभग 26 नवंबर 2008 को पहले से जब वे जिंदा थे पूर्ण की थी, लेकिन अब तक उसकी चार्जशीट कोई कोर्ट में भेजी नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद जनवरी 2019 में चार्जशीट भेजी गई। गिरफ्तार किए गए घर आतंकी एवं प्रार्थी आतंकवादी ऐसे कुल 14 आरोपियों को घटना स्थल पर शामिल थे और उनके नाम कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि जब उस लैपटॉप में पाया गया तो उसमें सारी फुटेज जब अभिनव भारत में मीटिंग की फुटेज वहां से बरामद किया गया। अब जो भी 14 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, ये सभी आतंकी जो अभिनव भारत के सदस्य थे और ये लोग आरएसएस से संबंधित रखते थे, क्योंकि मालेगांव 2008 की जो जांच में ले कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नार्को टेस्ट व ब्रेन मैपिंग टेस्ट से पता हुआ कि उससे स्पष्ट हुआ था कि मालेगांव घटना के पहले जो धमाके हुए थे, जैसे कि समझौता एक्सप्रेस मालेगांव 2006 में जो धमाके हुआ, अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो सभी धमाके अभिनव भारत के आतंकियों ने अन्य कुछ संगठनों की मदद से किए थे, और लेकिन इस घटना को पुनः जांच कई साल तक नहीं की गई। लेकिन ऐसे घटना को फिर से जांच करने का विषय बना ही नहीं, किसी ने इस चीज को सोचा ही नहीं कि जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन जांच नहीं की। जब हेमंत कारके ने जिन 3 लैपटॉप की जो जब्त की थी उनमें से एक लैपटॉप में अभिनव भारत संगठन की पूरी जानकारी थी और दूसरे तो लैपटॉप 2 लैपटॉप में अभिनव भारत की देशभर में हुई मीटिंग की 48 ऑडियो व वीडियो क्लिप्स थे। क्योंकि हेमंत कारके जब एक जिंदा थे तब तक वह वीडियो क्लिप्स उन्होंने 3 वीडियो और 2 ऑडियो क्लिप्स को शब्दों में अनुदित करके उनकी जांच की थी, और उसके बाद जब बाकी 43 क्लिप्स को शब्दों में अनुचित करने और उनकी जांच की थी, बाकी 43 क्लिप्स जो उन लोगों ने पाया था उनकी जांच की थी और उनसे संबंधित घटनाओं की जांच करने के बाद काम अधूरा था। जब हेमंत कारके की हत्या के 2 माह बाद 2019 में जनवरी 2019 में भेजी गई चार्जशीट फाइल पृष्ठ संख्या 19 में लिखा गया था कि जब्त किए गए लैपटॉप में बाकी क्लिप्स, कुछ मोबाइल फोन की रिकॉर्ड की गई बातचीत, पेन ड्राइव में रिकॉर्ड की गई जानकारी एवं अन्य दस्तावेज आदि प्रोसेसिंग साइंस लेबोरेटरी से प्राप्त हुई है, और जो भी उनकी जांच करना जरूरी है वह अन्य ऑडियो और वीडियो को शब्दों में अनुचित करने का कार्य जारी था। जब चार्जशीट की पृष्ठ संख्या 69 जब बेच करके अब 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आगे की जांच नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ब्राह्मणवादियों का कारनामों को वहीं पर दबा कर रखना चाहती है। जब जिस तरह से 69 एक प्रतिलिपि प्रशिष्ट बा में लगाई गई है, लिखाई गई है, और इस चार्जशीट को 7 साल बाद भी इसका कोई जांच या फिर कोई ऐसे ब्राह्मणवादियों द्वारा कारनामों पर कोई जांच करने का विषय नहीं बना और इसे आज भी दबा हुआ है और सरकार इस चीज़ को दबाना चाहती है। जब मोसाड़ा गुजरात में एक धमाका हुआ था और उसमें एक की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे, और जब मृतकों की संख्या जब छोड़ दे तो मालेगांव पर धमाका और घायल
जब गुजरात मोसाड़ा पे एक और धमाका हुआ था उसमें एक की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। जब मृतकों की संख्या छोड़ दे तो मालेगांव बम धमाका और मोसाड़ा धमाका ये दोनों घटना समान दिखाई दिया था, जो कि उदाहरण दोनों धमाके एक ही दिन और लगभग एक ही समय पर हुए थे और दोनों धमाकों में RDX का उपयोग किया गया था। जब बम रखने के लिए दोनों घटनाओं पर जो दो पायो वाहन बाइक का प्रयोग किया गया था, लेकिन जिस तरह से हेमंत कारके ने नेतृत्व में महाराष्ट्र ATS ने मालेगांव धमाके की कड़ी जांच की तरह मोड़ासा घटना की जांच नहीं की, आगे चलकर NIA को जांच की जिम्मेदारी दी गई है और लेकिन अभी तक इस जांच का पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से मालेगांव बम धमाका को अगर आप विस्तार से अगर आप देखोगे, विस्तार से अगर आप उस जानकारी को हासिल करोगे तो आप सच में जानकर के चौंक जाओगे कि जो 2008 की जो मालेगांव धमाका वास्तविक में किस तरह की धमाका था और लोगों को खास करके मुस्लिम लोगों को ही टारगेट किया करते थे और ये मुस्लिम लोगों को दंगा करवाने के नाम से टारगेट करने के लिए ये इम्प्लांट किया गया था, बम इम्प्लांट कराया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पी रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा वो भी फ्री में।